साल 1955, जब एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड मैलेट ने मात्र 10 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। उसके पिता ही उसके लिए सब कुछ थे। इसके बावजूद भी उसने अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में लगाया। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक दिन उसके हाथ लगी साइंस फिक्शन नोवेल एचजी वेल द टाइम मशीन। यहां से उसे होप आई कि वो अपने पिता से दोबारा मिल सकता है। उन्होंने इस चीज के लिए अटूट प्रयास किया, इसलिए हम इन्हें ही बोलते हैं द फादर ऑफ टाइम ट्रेवल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि इस प्रिंसिपल में कहा गया था कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ पता नहीं कर सकते। फिर टाइम मशीन का क्रेज खत्म हो चुका था, मानो साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इस टॉपिक को दबा दिया हो। लेकिन इसके बाद भी टाइम ट्रेवल के कई इंसिडेंट नोट किए गए, टाइम मशीन के थ्रू नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी दो और मीडियम है टाइम ट्रेवल के। पहला, पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच, हम एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो हमारी तरह होती है लेकिन थोड़ा अलग होती है। दूसरा, टाइम स्लिप, इसमें हम कहीं भी स्लिप होकर पास्ट फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।